शिमला पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट पर शिकंजा कसा है, जिसमें 169 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है। मामले में 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। चिट्टे की कीमत 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। चारों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाब के युवा चिट्टे की तस्करी करके संजौली और आसपास के क्षेत्र के युवाओं को बेच रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस की टीमों ने जगह जगह नाकेबंदी की। इससे पहले ही आरोपी चिट्टे की नशे के आदि युवाओं को सप्लाई करते पुलिस ने चारों आरोपियों को धर दबोचा। एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, पिछले कल 169 ग्राम चिट्टा हमने पकड़ा है। ये पंजाब के रहने वाले युवक है। इनकी उम्र का जो एज ग्रुप है वो 26 से 28 वर्ष का है। अमृतसर के रहने वाले हैं और इनका जो इन्वेस्टिगेशन जो है अभी चल रही है कि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो है वो किसके साथ इनके लिंक्स रहे हैं और किस किस व्यक्ति को साथ है, पहले कितनी बार आए हैं, इनके ऊपर कितने केसेस हैं, तो वहाँ की जो पुलिस है अमृतसर क्षेत्र की जहाँ से बिलोंग करते हैं उनके साथ भी हम संपर्क में हैं। पिछले अगर हम एक सप्ताह की बात करें तो शिमला ज़िले में हमने 20 से ज़्यादा ड्रग पैडलर्स को अरेस्ट किया है और जो सीजर्स हैं, जो कॉन्ट्राबैंड के सीजर्स हैं, वो क्वांटिटीज जो हैं वो भी पकड़ी हैं और इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। देखिए, अभी एक सप्ताह में लगभग 6-6.5 किलो के करीब हमने ओपीएम पकड़ी है और 150 ग्राम जो है हमने चिट्टा पकड़ा है। इसी मात्रा में जो है चर्स भी पकड़ी जा रही है। तो ये तो मैं एक सप्ताह का आपको बता रहा हूँ, बड़ा पूरा साल का अभी तक का जो डिटेल्ड जो डेटा है उसको मैं आपके साथ कुछ समय में शेयर करूँगा। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।